नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के सरकारी स्कूलों की स्थिति और बिहार के सरकारी स्कूलों को लेकर लगातार सवाल उठता रहा है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार लगातार कटघरे में रही है, सरकार की नीतियों पर सवाल उठता रहा है और बिहार के सरकारी स्कूलों से रोज बिहार के किसी न किसी सरकारी स्कूल की ऐसी स्थिति सामने आती है जो बिहार के खस्ता हाल शिक्षा व्यवस्था को बयां करती है, जो इस बात की गवाही देती है कि बिहार में वाकई शिक्षा व्यवस्था की हालत क्या है। तो ऐसी ही एक तस्वीर और सामने आई है, मामला जमुई का है। जमुई के एक सरकारी स्कूल की तस्वीर सामने आई है और मामला दिलचस्प इसलिए है कि सरकारी स्कूल के वीडियो में चिराग पासवान भी दिख रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक जर्जर सरकारी स्कूल के वीडियो के जरिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। आप जानते हैं वैसे भी चिराग पासवान और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच 36 के सियासी रिश्ते हैं। नीतीश कुमार पर हमले का एक भी मौका चिराग पासवान नहीं छोड़ते हैं, तो ये मौका भी चिराग पासवान ने नहीं छोड़ा है, सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है इस वीडियो के जरिए। अपने ट्विटर हैंडल से चिराग पासवान ने खुद इस वीडियो को पोस्ट किया है और पोस्ट करने के साथ जो ट्वीट किया है वो आपकी स्क्रीन पर है। चिराग पासवान ने क्या लिखा है और हम आपको वो वीडियो भी अब दिखाने जा रहे हैं जिसके जरिए चिराग पासवान ने हमला बोला है। लेकिन उस वीडियो को दिखाएं इससे पहले हम आपको बता दें, आप जानते हैं चिराग पासवान पहली बार किसी सरकारी स्कूल में नहीं गए हैं और पहली बार किसी सरकारी स्कूल की ऐसी स्थिति सामने नहीं आई है, पहली बार किसी सरकारी स्कूल की दुर्दशा सामने नहीं आई है। बिहार के ज़्यादातर सरकारी स्कूलों की स्थिति ऐसी ही है, कई स्कूलों की स्थिति अच्छी भी है, कई जगहों पर सरकार ने बेहतर सुविधाएं भी है, अच्छा काम भी किया है, लेकिन कई स्कूलों में स्थिति अच्छी नहीं है, ज्यादातर स्कूलों में स्थिति अच्छी नहीं है और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर इसी वजह से सवाल उठते रहे हैं क्योंकि तस्वीरें लगातार सामने आती है, वीडियोज लगातार सामने आते हैं एक के बाद एक कई सरकारी स्कूलों के, और फिर ये सवाल उठता है क्या इस सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। चिराग पासवान ने जिस स्कूल का वीडियो ट्वीट किया है उस स्कूल में वो खुद गए और वहां की स्थिति देखकर वो नाराज दिख रहे हैं, वीडियो में भी ये सब दिख रहा है, और जिस सरकारी स्कूल की यह तस्वीर है वाकई वो बिल्कुल जर्जर हालत में है, गंदा है, खस्ता हाल है और बच्चों के पढ़ने लायक तो बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। पिलर कब गिर जाएगा, नहीं गिर जाएगा, ऐसे में कोई बच्चा पढ़ेगा? बुलाइए उसको, अधिकारी को बुलाइए, बुला के दिखाइए, ऐसा कोई बड़ी घटना घटेगा? आगे चलो।